चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायामीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रो कूलम पर मीटर का स्क्वायर। तो हमें क्या बोला गया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज एक स्फीयर है जिसका डायामीटर कितना है 2.4 मीटर का, और उसी में सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दी कितनी गई है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, मतलब फर्स्ट स्फीयर के ऊपर हमारा कितना चार्ज होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो गिवन लिखते हैं, यहाँ पे हमें डायमीटर कितना दिया गया था 2.4 मीटर का, तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, रेडियस हमारा कितना आ गया 1.2 मीटर का। जैसे हम जानते हैं डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। ठीक है, तो 1.2 मीटर का रेडियस हमारे पास आ गया। और यहाँ में एक चीज़ और क्या दी गई थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा दिया कितना गया है हमें 80 माइक्रो कूलम्स पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है। तो देखिए हमें यहाँ से क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में कि चार्ज हमारे पास कितना है। ठीक है, तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज इसका एक रिलेशन होता है, क्या कि चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस का एरिया, ये हमारे पास एक रिलेशन होता है चार्ज और सरफेस चार्ज डेंसिटी का। मतलब यहाँ से हमारा क्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्यू हमारा कितने के इक्वल हो गया, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, स्फेयर की बात की गई है तो 4πr का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्यू निकाल देते हैं हम अपना, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 80 माइक्रो कूलम बोला गया था, तो यहाँ आ जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -6 और 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 3.14 और रेडियस हमारा आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलने वाला है, 1.447 इंटू 10 की पावर -3 कूलम का चार्ज हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया, हमने चार्ज निकाल दिया है यहाँ पर। अब बी पार्ट, इसमें बी पार्ट क्या बोला गया था कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, कि अब यहाँ हमारे पास चार्ज आ गया है 1.447 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लग रहा होगा। ठीक है, स्फीयर के अंदर देखिए, तो यहाँ पी पार्ट हमने करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या है उसका फॉर्मूला। ठीक है, जैसा कि हमारे क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई है, 1.447 इंटू 10 की पावर -3 कूलम का चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्स का स्क्वायर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स की वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पे, तो फ्लक्स इक्वल टू आ जाएगा 1.447 इंटू 10 की पावर -3 कूलम्स डिवाइड 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ अपना आंसर निकालेंगे तो हमें फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 1.63 इंटू 10 की पावर 8
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, फ्लक्स की, ठीक है, जो स्फेयर में से पास हो रहा है। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।